वेल फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका बीसी यानी बॉलीवुड चलोगे में। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि सबसे पहले आप लोग एक कमेंट करके बता देना, तानाजी द अनसंग वॉरियर मूवी किसको नहीं अच्छी लगी। सबसे पहले तो मैं आप लोग को बात बता दूँ कि जहाँ तानाजी द अनसंग वॉरियर को रिलीज़ हुए अभी एक महीना कम्प्लीट हो चुका है, फिर भी ये मूवी अभी भी लोग देखने जा रहे हैं और अच्छा खासा कलेक्शन करती जा रही है। देखा जाए तो इस मूवीज़ को और भी लैंग्वेजेस में रिलीज़ हो जाना चाहिए था। अगर हम बात करें KRK यानी कमाल आर खान की, तो कमाल आर खान जैसे बंदे के लिए आप क्या कमेंट करना चाहेंगे ये प्लीज़ एक बार कमेंट में बताना। क्योंकि उस बंदे को सच बताऊं तो ना तो इसका स्क्रीन प्ले अच्छा लगा है, ना डायरेक्टिंग अच्छी लगी है, ना इसकी ना अजय देवगन की एक्टिंग अच्छी लगी है, ना ही VFX अच्छा लगा है। हर एक चीज़ मतलब बेकार बोली, और वाकई में जिस तरह से इस मूवी की जितनी तारीफ करनी चाहिए थी वाकई में सब कुछ डुबो दिया। ऐसा सोचा भी नहीं था कि ये बंदा मतलब इस तरह की मूवी को ऐसा बोलेगा। प्लीज़, मेरा गाली देने को मन करता है, लेकिन कमाल आर खान जी बहन चो पता नहीं कहाँ से, मतलब ये रिव्यू इन्होंने चैनल कहाँ से खोला या क्या किया, कैसे किया, या मूवी देखते हैं क्या करते हैं, मूवी में क्या देखने जाते हैं और मूवी थिएटर्स तक जाते क्यों हैं देखने, उनको या मूवी समझ में नहीं आती या क्या करते हैं, आई डोंट नो। सबसे बड़ी बात तो यार मूवी के लिए जो बोला जाए ओम रावत जी को, वो डायरेक्टिंग बोल रहा है डायरेक्टर, वो डायरेक्टिंग नहीं कर रहे थे, अजय देवगन डायरेक्ट कर रहे थे, उनका बोलना कुछ इस तरह से है। और बोलना कुछ इस तरह से जैसे पद्मावत मूवी थी, पद्मावत मूवी को कंपेयर कर दिया, उसके बाद बाजीराव मस्तानी, एक और रणवीर सिंह और दीपिका की मूवी आई थी, तो उस तरह की मूवी से कंपेयर कर दिया कि सेम उसी तरह की स्टोरी डाल दी, सेम उसी तरह का सब कुछ रख दिया। क्या वाकई में ऐसा कुछ इस मूवी पर था या ये मूवी कुछ डिफरेंट थी? जबकि देखा जाए तो बाहुबली 2 के कलेक्शन को भी ये पार कर सकती थी, और बाहुबली के 2 के कलेक्शन को अब तक ये पार कर जाती। जहाँ अगर देखा जाए कि जहाँ कमाल आर खान ने जितनी भी मतलब बातें बोली हैं, मैं उनको मतलब एक छोटी सी गाली देना चाहूँ, लेकिन सच बताऊँ कि एक बंदे ने बोला था फैमिली ऑडियंस है प्लीज़ गाली मत दिया करो, लेकिन आप लोग प्लीज़ कमेंट में यार भर दो कि मतलब समझ में नहीं आ रहा यार कमाल आर खान को क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, और इस वीडियो को शेयर भी करना। क्योंकि यार ऐसी मूवीज़ के लिए मेरे हिसाब से एक सैल्यूट बनता है, और ऐसे बंदे के लिए एक डिसलाइक, कितने सारे डिसलाइक, 7,000 लाइक और 51,000 डिसलाइक देखे मैंने। कमाल आर खान प्लीज़ आप आगे से रिव्यू करो या मूवी देखना बंद करो या कुछ भी करो, आई डोंट नो, प्लीज़ आप कमेंट में बताना। मैं चलता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ, बाय बाय।